में समाजसेवी और अधिवक्ता राजवर्धन सिंह राजू की नई पहले सामने आई है। आत्मसंतुष्टि मिशन के तहत वह अधिवक्ताओं की मदद कर रहे हैं, उन्हें मूलभूत चीजों जैसे राशन, दवाई आदि मुहैया करवा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक जरूरतमंद अधिवक्ता के खाते में 1,000 रुपए की मदद बैंक खाते में ट्रांसफर करने का भी ऐलान किया है। समाज का जब कोई व्यक्ति, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सबको न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता लोग खड़े होते हैं, तो इन लोगों का भी दायित्व बनता है कि अधिवक्ता साथियों की मदद ऐसे मोड़ पे करना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता भी समाज का अभिन्न अंग है। और हमारा अधिवक्ता आज के दौर में जिनकी प्रैक्टिस विधिवत नहीं चल रही है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें नई प्रैक्टिस शुरू करी, वाकई उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसमें थोड़ा सब लोग सहयोग करने का प्रयास करें, जिससे। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता नितेश चंद्र जी। नितेश, अधिवक्ता राजवर्धन सिंह राजू की एक नई पहल सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पहल के बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा ऐलान है। ये हरदोई जिले के समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू और जो कि अपना एक मिशन है, और गरीबों और जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत राहत हमेशा ही मदद करते हैं। लॉकडाउन के चलते इन्होंने अधिवक्ताओं के लिए बड़ा पिटारा खोला है और बड़ी राहत का ऐलान किया है। इसका कहना यह है कि जो नए प्रैक्टिस कर रहे हैं अधिवक्ता और जो रोज प्रैक्टिस के दौरान कुछ कमा पाते हैं, उनको इस समय न तो मौका ही मिल रहा है, न कुछ कमा पा रहे हैं, तो उनकी रोजी कैसे चलेगी? ऐसे वकीलों के लिए, ऐसे नए अधिवक्ताओं के लिए जो की तंगी से जूझ रहे हैं, इस समय पर परेशान है, उन लोगों के लिए 1,000 रुपए की राहत उनके खाते पर भेजने का ऐलान किया है इन्होंने। और जो जरूरतमंद अधिवक्ता होंगे उनके खाते पर भेजने का ऐलान किया है इन्होंने। और जो भी राहत सामग्री होगी, आटा, दाल, चावल इस तरीके से, या दवाइयों की आवश्यकता होगी उनको, उसमें भी ये सहायता और मदद करेंगे उनकी। धन्यवाद नितेश तमाम जानकारी देने के लिए। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।